हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आकाश कोटनाला और आप देख रहे हैं आकाश कोटनाला यूट्यूब चैनल। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि अपने पीसी में प्रिंटर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों, प्रिंटर इंस्टॉल करने के लगभग 3 मेथड हैं, जिसमें कि सबसे पहले है DVD, जो कि हमें नया प्रिंटर परचेस करते वक्त मिलती है, और दूसरा मेथड है एड प्रिंटर, जिसको कि हम कंट्रोल पैनल में जाके एक्सेस करते हैं, और तीसरा मेथड है ड्राइवर, जिसको कि हम इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके एक्सेस करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम ड्राइवर से प्रिंटर कैसे इंस्टॉल किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए आकाश कोटनाला यूट्यूब चैनल के साथ और शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों, सबसे पहले हम इंटरनेट से जो हमारा प्रिंटर का जो मॉडल है उसका ड्राइवर डाउनलोड कर लेंगे, और अब उस ड्राइवर पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये एक्सट्रैक्टिंग बता रहे हैं, जो कि 100% तक पूरा होगा, तब तक आप थोड़ा वेट करिए। अब देखिए दोस्तों, ये 100% तक पूरा हो चुका है और अब इंस्टॉलर लॉन्च हो रहा है, तो हम थोड़ा वेट कर लेंगे। अब ये हो चुका है, इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेक मार्क है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये इंस्टॉल हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर 5 स्टेप हैं। सबसे पहले है प्रिपेयर टू इंस्टॉल, और दूसरा है कनेक्ट द प्रोडक्ट, और तीसरा है इंस्टॉल, और चौथा है कन्फिगर प्रोडक्ट, और पाँचवा है कम्प्लीट। अब देखिए दोस्तों, हमारा पहला स्टेप पूरा हो चुका है, इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अब दोस्तों, हमारा दूसरा स्टेप शुरू हो रहा है। इसमें हमें जो प्रिंटर के सामने जो केबल मिला है उसको हम अपने पीसी से कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट करते ही इंस्टॉलिंग डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर बताएगा, तो हम इसको कनेक्ट होने देते हैं। दोस्तों, अब हमारा दूसरा स्टेप भी सक्सेसफुली बता रहा है। इसके बाद तीसरा स्टेप है इंस्टॉल, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहे हैं, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा।
अब हमारा तीसरा स्टेप भी पूरा हो चुका है। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारे पास दो ऑप्शन हैं, जिसमें कि सबसे पहले है सेट एज डिफ़ॉल्ट प्रिंटर, अगर जो आप इस प्रिंटर को डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, और दूसरा है प्रिंट ए टेस्ट पेज, अगर जो आप टेस्ट पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमारा जो प्रिंटर है वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, इसका टेस्ट पेज भी हमारे सामने मौजूद है, और अब आप सीख चुके हैं कि प्रिंटर कैसे इंस्टॉल किया जाता है, और आगे के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि अपना कंप्यूटर कैसे फास्ट किया जाए। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए आकाश कोटाना यूट्यूब चैनल के साथ, और लाइक करिए हमारा वीडियो और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, जिससे कि हमारा हर अपडेट आप तक पहुँचता रहे। और अगर जो आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीखते रहिए और देखते रहिए आकाश कोटाना यूट्यूब चैनल। थैंक्स।